दोस्तों, इतिहास में जहांगीर का वो पहलू जिसे शायद आप नहीं जानते हों, आज हम आपको बताएंगे। अनेक संतों एवं फकीरों की मिन्नतों तथा फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी और जयपुर की राजकुमारी मरियम उज्जमानी ने 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मोहम्मद सलीम को जन्म दिया। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा पुकारता था। सलीम की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। उसके विभिन्न शिक्षकों में से सबसे महत्वपूर्ण अपने समय का प्रमुख विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना था। विभिन्न भाषाओं और शास्त्रों के ज्ञान के अतिरिक्त सलीम ने सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की। यद्यपि तत्कालीन बादशाहों की परंपराओं के अनुसार सलीम बादशाह जहांगीर ने अनेक विवाह किए, परंतु उसका पहला विवाह अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 13 फरवरी 1585 ईस्वी में हुआ। सलीम का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो इसी की संतान था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। इस कारण कालांतर में 1586 ईस्वी में उसका दूसरा महत्वपूर्ण विवाह राजा उदय सिंह की लड़की जगत गोसाई जोधाबाई से हुआ, जिसकी संतान शाहजादा खुर्रम बादशाह शाहजहां था। जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म उसकी बेगम साहिब जमाल से और चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखेल से हुआ। सलीम को बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था, इस कारण वह आरंभ से ही ऐशो आराम और शराब का शौकीन हो गया था। अपने पिता के अंतिम दिनों में उसने उसकी अवज्ञा की और अपने को स्वतंत्र शासक बनाने का प्रयत्न किया। अंत में बाप बेटे में समझौता हो गया। अकबर के दो अन्य पुत्रों दानियल और मुराद की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अपनी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने सलीम को 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वहीं उसकी मृत्यु के पश्चात जहांगीर के नाम से बादशाह बना। दोस्तों, जहांगीर का चरित्र, व्यक्तित्व और इतिहास में स्थान कैसा रहा, यह सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल यूनिक समाचार को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। जहांगीर के चरित्र के विषय में इतिहासकारों में विवाद है। यूरोपियन इतिहासकारों ने प्रायः उसे एक विलासी और असफल शासक कहा है, जबकि अनेक भारतीय इतिहासकारों ने उसे एक न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक बताया है। डॉक्टर स्मिथ ने जहांगीर के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा है, वह कोमलता और निष्ठुरता, न्याय और बुद्धि की चंचलता, सुसभ्यता और पशुता, बुद्धिमता और बचपने का अजीब मिश्रण था। सर हेनरी इलियट ने लिखा है, उसके बनाए हुए कानून न नवीन थे और न व्यवहार में लाए गए थे। लेन पूल ने उसके आरंभिक दोषों को बताते हुए बाद में उसे उन दोषों से पर्याप्त मात्रा में मुक्त बताया है। और एल्फिंस्टन ने भी उदारतापूर्ण बादशाह की दृष्टि से उसके द्वारा अपने प्रारंभिक काल में बनाए गए कानूनों की प्रशंसा की है। इससे स्पष्ट होता है कि यूरोपियन इतिहासकारों ने मुख्यतया उसकी चारित्रिक दुर्बलताओं की ओर दृष्टिपात किया है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या उसके व्यक्तिगत चरित्र के दोषों का प्रभाव शासन पर पड़ा था। इस दृष्टिकोण से देखने पर ही हम जहांगीर का उचित मूल्यांकन कर सकते हैं। जहांगीर एक अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा संबंधी और अच्छा मित्र था, और सभी का आदर करता था और सभी से उसे प्रेम था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, परंतु यह विद्रोह उसकी महत्वाकांक्षा और सिंहासन को तुरंत प्राप्त करने की लालसा की अपेक्षा अपने लिए व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र व्यवहार करने की इच्छा से था। इसके अतिरिक्त जहांगीर के चरित्र की यह एक दुर्बलता थी कि वह अपने निकट के आत्मीय जनों से प्रभावित हो जाता था। इस विद्रोह के लिए भी उसके सहयोगियों का कुप्रभाव अधिक उत्तरदायी था। इसी प्रकार बाद में नूरजहां को शासन सत्ता सौंप देने से भी में भी उसके चरित्र की यह दुर्बलता ही प्रमुख थी, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि उसने अपने पिता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह नहीं किया, बाद में उससे समझौता कर लिया और पिता के द्वारा की गई भर्त्सना को भी सहर्ष स्वीकार किया। इसी प्रकार नूरजहां के प्रभाव से उसने शासन के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया था और न अयोग्य अधिकारियों या अन्य स्त्रियों के प्रभाव को शासन में आने दिया था। नूरजहां से उसका प्रेम व्यक्तिगत था
और सिर्फ नूर जहां ही उसके प्रेम और सत्ता की अधिकारिणी थी। बाद में अपने पिता के बारे में जहांगीर ने सर्वदा सम्मान प्रदर्शित किया और वह उसके मकबरे तक पैदल जाया करता था। इसी प्रकार जहांगीर ने अपने सभी पत्नियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। अपनी पत्नी मानबाई की मृत्यु पर उसने कई दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अपने पुत्र खुसरो को विद्रोह करने के बावजूद भी उसने पहली बार माफ कर दिया और दूसरी बार षड्यंत्र करने पर उसे अंधा मात्र किया था। उसके पश्चात उसने उसके नेत्रों का इलाज भी कराया। उसने बाध्य होकर ही शाहजहां को खुसरो को सौंपा था और उसकी मृत्यु पर उसे दुख हुआ था। अपने अन्य पुत्रों परवेज खुर्रम और शहरयार के प्रति उसका दृष्टिकोण उदार था और समय समय पर उनके कार्यों के अनुसार उसने उन्हें पद और सम्मान प्रदान किए। अपने मित्रों और वफादार व्यक्तियों को भी उसने राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए। व्यक्तिगत दृष्टि से जहांगीर का एक दोष अत्यधिक शराब पीना था। स्त्रियों से उसके संबंध तत्कालीन शासकों की भांति ही थे, बल्कि देखा जाए तो उसमें अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम की भावना उनसे कहीं अधिक थी। ऐसी स्थिति में जहांगीर को विलास प्रिय कह देना उनके साथ अन्याय करना होगा। यह पृथक बात है कि वह आराम पसंद था और अन्य मुगल शासकों की भांति युद्ध स्थल पर जाना और सेनापतित्व करना उसके सामर्थ्य के बाहर की बात थी। जहांगीर सुशिक्षित एवं सुसभ्य था। फारसी और तुर्की पर उसका आधिपत्य था और हिंदी, अरबी और अन्य भाषाओं को भी वह जानता था। उसकी जीवन गाथा तुझके जहांगीरी आरंभ के 7 वर्षों में स्वयं उसके द्वारा लिखी गई थी और उसके पश्चात उसने अन्य व्यक्तियों से स्वयं लिखाई थी। यद्यपि उसे तुझके बाबरी के समकक्ष स्थान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु उससे जहांगीर का फारसी भाषा का ज्ञान, उसकी लेखन शैली और विभिन्न विषयों के बारे में उसके विस्तृत ज्ञान का पता अवश्य लगता है। जहांगीर ने विभिन्न पक्षियों, पशुओं और वनस्पति का मुख्यतः कश्मीर की जो वर्णन किया है वह सुंदर और ज्ञानवर्धक है। प्राकृतिक सौंदर्य का उसका वर्णन अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त जहांगीर विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान करता था। वह प्रत्येक शुक्रवार की शाम साहित्यकारों एवं विद्वानों के साथ व्यतीत करता था। उसके समय के विद्वानों में नियामतुल्ला, नजीब खां, अब्दुल्ला हक दहलवी आदि प्रमुख थे। उसके समय में अनेक व्यक्तियों ने कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति की। जहांगीर ने सबसे अधिक रुचि चित्रकला में ली, जो उसके समय में श्रेष्ठता की स्थिति में पहुंच गई। स्वयं जहांगीर को उसका बहुत अच्छा ज्ञान था और उसका दावा था कि यदि उसके सामने कोई भी चित्र प्रस्तुत किया जाए तो वह बता देगा कि उसे किस कलाकार ने बनाया है, और यदि एक चित्र को कई कलाकारों ने मिलकर बनाया हो तो वह बता देगा कि उस चित्र का कौन सा अंग किस कलाकार ने बनाया है। स्थापत्य कला का भी जहांगीर को शौक था। आगरा के निकट सिकंदरा में उसके पिता का मकबरा उसकी देखरेख में ही बनवाया गया, जो अकबर के उदार एवं स्पष्ट चरित्र का प्रतीक है। उसके समय में बनवाई गई लाहौर की मस्जिद की तुलना शाहजहां द्वारा बनवाई गई दिल्ली की जामा मस्जिद से की जा सकती है, और नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतमादउद्दौला का मकबरा पच्ची कारी और सफेद संगमरमर के पत्थर के प्रयोग के कारण अद्वितीय है। जहांगीर ने अनेक स्थानों, मुख्यतया लाहौर और कश्मीर में सुंदर बाग लगवाए। उसने अपने समय के सिक्कों को कलात्मक शक्ल प्रदान की। उसे अच्छी वेशभूषा का शौक था और उसने उसमें सुधार किए। जहांगीर ने शस्त्र विद्या प्राप्त की थी और वह घुड़सवारी एवं शस्त्र चलाने में कुशल था, परंतु जहांगीर में एक कट्टर सैनिक की भांति कष्ट उठाने की क्षमता न थी। उसी प्रकार वह एक अच्छा सेनापति भी न था। अपने पिता के समय में उसने किसी भी युद्ध अभियान में रुचि नहीं ली। उसके शासनकाल की विजयों का श्रेय उसके पुत्र शाहजहां और अन्य योग्य सरदारों को था। जहांगीर ने सेना की सुव्यवस्था और रण कुशलता को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न किया हो, ऐसा भी कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता। धार्मिक नीति की दृष्टि से जहांगीर का स्थान अपने पिता अकबर और अपने पुत्र शाहजहां के मध्य में आता है। जहांगीर ईश्वर में विश्वास करता था और साधारणतया अपने धर्म की मुख्य बातों का पालन करता था, परंतु धर्म में उसे विशेष रुचि न थी। वह इस्लाम के सिद्धांतों का भी बहुत कट्टरता से पालन नहीं करता था और सभी धर्मों के मानने वालों से मिलता था, जिससे उसका दृष्टिकोण उदार बन गया था। ईश्वर एक है, उसमें उसका विश्वास था। इस कारण जहांगीर अपने व्यक्तिगत व्यवहार और नीति की दृष्टि से धार्मिक मामलों में उदार रहा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों के मानने वालों को राज्य की ओर से समान सुविधाएं प्राप्त थी और शासन में राज्य की ओर से
धर्म के प्रति वह दृष्टिकोण रखा गया जो अकबर के समय में था। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। उसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया ताकि वे सहूलियत महसूस कर सकें और उन्हें किसी मुसलमान का मोहताज न होना पड़े। हिंदुओं को राज्य में सम्मानित पद दिए गए थे और उन पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया था। जहांगीर ईसाइयों के घनिष्ठ संपर्क में आया और उसने अपने पौत्रों की शिक्षा का प्रबंध उनकी देखरेख में किया था। परंतु जहांगीर के समय में कुछ घटनाएं ऐसी अवश्य हुई जो यह स्पष्ट करती हैं कि कभी कभी जहांगीर ने इस्लाम धर्म का पक्ष लिया था। राजौरी के हिंदुओं को उसने इसलिए दंड दिया क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लिया करते थे। कांगड़ा के किले को जीतकर वहां उसने एक गाय को कटवाकर जश्न मनाया था। अजमेर में वाराह के मंदिर की मूर्तियों को उसने तालाब में फेंकवा दिया था और पुर्तगालियों से युद्ध के अवसर पर राज्य के सभी गिरजे बंद कर दिए गए थे। इसी प्रकार गुरु अर्जुन को दंड देने का एक कारण यह भी था कि उसे उनके विचारों से चिढ़ थी। एक बार उसने जैनियों से अप्रसन्न होकर उन्हें गुजरात से बाहर चले जाने के आदेश दिए थे, परंतु ये सभी घटनाएं एक विशेष अवसर अथवा स्थिति के कारण थी। गुरु अर्जुन को दंड देने के का कारण एक राजनीतिक भी था। जहांगीर ने सिख संप्रदाय को कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। इसी प्रकार जैनियों से असंतुष्ट होने का कारण भी आंशिक रूप से राजनीतिक था। इसके अतिरिक्त जब हम यह देखते हैं कि असंतुष्ट होने पर उसने शेख रहीम, काजी नूरुल्ला और शेख अहमद सरहिंदी जैसे मुस्लिम धर्म प्रचारकों को भी दंड दिया था, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका हिंदू, जैन, सिख अथवा ईसाइयों के साथ कठोरता करने का कारण राजनीतिक होने के साथ साथ परिस्थितियों वश था, न कि धार्मिक कट्टरता। उसने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई। साधारणतया जहांगीर सभी धर्मों के प्रति उदार रहा और सभी से उसका संपर्क रहा। मुख्यतया हिंदुओं से उसके घनिष्ठ संबंध थे और वह उनके सभी त्योहारों एवं उत्सवों में भाग लेता था। उसने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाना, मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। इस प्रकार अपने पिता के समान न होते हुए भी जहांगीर धार्मिक दृष्टि से उदार रहा और उसने अपने पिता के समय की अधिकांश परंपराओं को पूर्ववत स्थापित रखा। परंतु उसके समय में अकबर की नीति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य हो गया। जहांगीर एक सफल और प्रजापालक शासक माना गया है। उसकी सफलता इसी में थी कि उसने अकबर के समय में स्थापित की गई शासन व्यवस्था को यथावत रखा। अकबर द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूर्णतः सफल रही थी। जहांगीर को उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता न थी। इसके अतिरिक्त समय और परिस्थितियों को समझने की क्षमता जहांगीर में थी। 22 वर्ष का उसका शासनकाल असफल नहीं माना जा सकता। उसके समय में बादशाह और साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनी रही। एक शासक की दृष्टि से जहांगीर अपनी प्रजा के हित का पूर्ण ध्यान रखता था और उसकी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता था। उसके समय में किसान संपन्न थे, उन पर कर का कोई अतिरिक्त भार न था और यदि उनकी हानि होती थी तो राज्य उसकी पूर्ति कर देता था। जहांगीर के समय में जुआ, शराब पीना आदि को बंद करने के प्रयत्न किए गए थे, परंतु उसका सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता था। मध्य युग में न्याय बादशाह का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माना जाता था। जहांगीर ने इसकी ओर पूरा ध्यान दिया था। मृत्युदंड सिर्फ बादशाह ही देता था और उस पर भी यह आदेश थे कि शाम होने से पहले उस दंड को कार्य रूप में परिणित न किया जाए। बादशाह जहांगीर न्यायप्रिय था और अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। इस प्रकार जहांगीर को एक अच्छा शासक माना गया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उसके बारे में लिखा है, मुगल इतिहास में जहांगीर का व्यक्तित्व एक आकर्षक व्यक्तित्व है। साधारण दृष्टि से आंका गया यह विचार कि वह विलासप्रिय और हृदयहीन अत्याचारी था न्यायपूर्ण नहीं है। सभी विवरण इससे सहमत हैं कि वह बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और राज्य की जटिलतम कठिनाइयों को सरलता से समझने वाला था। उसके चरित्र में बहुत कुछ निंदा करने के योग्य है, परंतु उसमें बहुत अधिक ऐसा है जो उसे भारतीय इतिहास के रोचक व्यक्तियों में स्थान प्रदान करता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने जहांगीर के प्रति और भी अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। वह लिखते हैं, सर्वांगिक रूप से जहांगीर का शासन का साम्राज्य के लिए शांति और समृद्धि का रहा। उसकी संरक्षता में उद्योग और व्यापार की उन्नति हुई। स्थापत्य कला ने महत्वपूर्ण सफलता पाई। चित्रकला अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच गई और साहित्य की इतनी प्रगति हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी।
और तुलसीदास ने रामायण की रचना की, जो उत्तर भारत के लाखों व्यक्तियों के लिए होमर, शेक्सपियर और मिल्टन की रचनाओं के समान है। फारसी और प्रादेशिक भाषाओं के अनेक कवियों की रचनाओं ने मिलकर इस युग को मध्ययुगीन भारतीय साहित्य का अवष्टन युग बना दिया। जहांगीर के समय का राजनीतिक इतिहास रोचक है, परंतु उसका मुख्य आकर्षण उसकी सांस्कृतिक प्रगति है। जहांगीर मुगल बादशाहों में महान न था, उसे हम एक योग्य सेनापति, कुशल राजनीतिक और मेधावी शासन प्रबंधक स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु यह भी सत्य है कि वह एक सफल और उदार शासक था, जिसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा तथा जिसने अपनी प्रजा की भलाई का सर्वदा ध्यान रखा। धन्यवाद।